नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोरमी के गांव कारी डोंगरी से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी का सारा सामान बाहर फेंक दिया और साथ ही जमकर उत्पात मचाया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें लोरमी के गांव पंचायत कारी डोंगरी की हैं, जहां कुछ ग्रामीण महिलाओं की बर्बरता सामने आई। आरोप है कि यहां रोड किनारे झोपड़ी बनाकर एक 70 साल की बुजुर्ग महिला रहती है, जिसकी झोपड़ी में ग्रामीण महिलाएं जबरन घुसी और घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया, साथ ही उसकी झोपड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। और इतना ही नहीं, इन महिलाओं पर ये आरोप भी है कि इन्होंने मोहम्मद खां नाम के शख्स की दुकान को भी तहस नहस कर दिया। आरोप है कि इन महिलाओं ने बिना सूचना के तोड़फोड़ की। वहीं संरक्षण में वन विभाग की टीम ने भी ग्रामीणों का साथ दिया है। पीड़ित मोहम्मद खां और बुजुर्ग महिला ने जोर जबरदस्ती को लेकर मानहानि का भी आरोप लगाया। जी, अपना नाम बताएंगे? मैं शीतला यादव हूँ। मेरे घर के सामने महिला रहती है, 70 साल का एक मेंटल लड़का के साथ में उसका देखभाल वो 70 साल के महिला करती है। उसका घर को जबरन आके तोड़ फोड़ कर दिए हैं। कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं मिले इनको के कुछ हटा लो सामान को करके। पूरा चावल दाल भाड़े बर्तन कुछ भी नहीं बचा है इनके पास। ऐसे अत्याचार किए हैं इन लोग। पूरा मोहल्ले के गांव वाले महिलाओं के साथ में आके महिला ही तोड़ फोड़ किए हैं सर। और उसके बाद भी सरपंच और गांव वाले खुद सैगोन प्लाट को काट करके खेती कर रहे, बोर खनवा रहे, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मिश्रा साहब सैगोन और वो लगवाए थे साझा, वो कुछ भी नहीं बचा है। आप जांच करवा सकते हो शासन से। मैं यही चाह रही हूँ कि इसका अच्छी तरीका से जांच करके जितना भी बेजा कब्जा सैगोन प्लाट हुआ है उसको सबको हटाए और पूरा बोर को जब्ती किया जाए, यही मैं चाह रही हूँ। तब इंसाफ मिलेगा ये महिला को, क्या करना है कैसे करना है। अब शासन ही जाने इनके साथ क्या हुआ है। उड़नदस्ता का टीम का कहना है कि 4 बार नोटिस जारी हुआ है। एक बार भी नोटिस नहीं हुआ है भैया, एक बार भी नहीं हुआ है नोटिस। अगर नोटिस होता तो इनको भी सूचना मिल जाता कि चलो नोटिस नहीं रहे, सामान को कम से कम सुरक्षित कर लूं, कहीं पर ले जा लूं करके। कुछ भी नहीं हुआ है नोटिस। उन लोग झूठ बोल रहे हैं अपने बचाव के लिए, झूठ बोल रहे के मतलब नोटिस दिए करके। एक बार आए थे, एक बार एक साल के पहले होली को रात में इनका झोपड़ी घर समेत जला दिए थे। पूरा सामान सबका सब जगह इनके पास कुछ भी रहने के लिए छाया नहीं था। मैं अपने घर में लेकर 2-3 महीना रखी थी इसको। उसके बाद इनके छोटे लड़का मेंटल परेशान करते थे, मेरे बच्चे को पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब हो रहा करते हैं, यहाँ बनवाए गए हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाह रही हूँ शासन के, इनके साथ हुआ है ठीक है, पर अगला जो कर रहे हैं काबिज उसको भी हटाया जाए, सैगोन प्लाट को पूरा छुड़वाया जाए सर। कारी डोंगरी पंचायत के रहने वाले हैं। मेरा बालक जिसकी बेगमात मर चुकी है, वो उसने 2021 में यहाँ पे किसी से भी सलाह विचार लेकर और एक पान ठेला खोला था। उसमें उसके बच्चों की पढ़ाई भी, नजदीक में स्कूल है वहां पे पढ़ाई भी करता था। और इसके बाद में 2021 तक आज तक कुछ नहीं हुआ। इसके बाद में नोटिस आए थे डिप्टी साहब, पहले हमको नोटिस दिया था, नोटिस 2021 में नोटिस भी दिया और वारंट भी दिया। देने के बाद मेरे बालक को ले गए मुंगेली जेल में, कुछ दिन के लिए मुंगेली जेल काटा। फिर हमने उसकी जमानत करवाई। जमानत करवाने के बाद में आके अपने दुकान पे बच्चों के पालन के लिए फिर हमने दुकान खोला। आज तक कुछ नहीं हुआ। डिप्टी साहब ने आकर बिना नोटिस से और बिना आदेश से आकर, मेरी बुढ़ी थी दुकान पे, बुढ़ी के सामने पूरे दुकान को रंद बंद करते हुए और बिना आदेश से दुकान को तोड़ दिया। अब हमारा जीने खाने का कोई पालन नहीं है और उसकी कुछ दुकान नहीं था, सिर्फ बाल बच्चे को खिलौना जैसे कुछ भी रेवड़ी चना बेचते रहते थे और हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है और घर बाड़ी भी नहीं है। इसके बाद भी हमारी बातों को नहीं समझकर और बुढ़ी को बोलकर उनने और पूरा दुकान को बाहर फेंक दिया, लकड़ी अकड़ी सब जब्ती करके ले गए। सर, उड़नदस्ता का टीम का कहना है 4 बार ने मैंने नोटिस जारी किया है फिर भी नहीं तोड़ा है, ये आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? भाई, हमारे पास तो नोटिस नहीं आया, एक नोटिस आया था, ये मैं जेब में रखा हूँ, वो पुरानी है। हाँ, पुराना जो रखा है इसको हम इनकार नहीं करेंगे।
2021 का नोटिस आया था, वो हमारे पास में है और जेल भी भोगा था सर। आज का घटना बताएंगे। आज की घटना में कोई नोटिस नहीं आया, बिना नोटिस से दुकान तोड़ा गया। हाँ भलो मुखात्रा ड्यूटी साहब बोल रहे थे कि आप लोग दुकान क्यों नहीं तोड़ा गया है, दो बच्चे को लेके बुढ़ा बुढ़ी हम दुकान पर रहते हैं। क्या चाहते हैं सर आप? अब यही चाहते हैं सर कि कहाँ जाएं, बाल बच्चों के पालन के लिए बेरोजगार हैं। अगर जरा सी दुकान में जीते खाते रहेंगे, कोई हम 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन तो लोगों की तरह नहीं काट रहे हैं, बस हमारे पर क्या शक्ति है गुजर बसर के लिए। हम गुजर बसर के लिए बस हमारा ये पान ठेला 2 डिसमिल का हो चाहे 1 डिसमिल का हो, और रोड के नजदीक तो शासन दुनिया दुकान लगा लेती है। आज रायपुर बिलासपुर में भी रोड के नजदीक दुकान लगी है, हम कोई काबिज थोड़ी ना कर रहे हैं उसको। आगे क्या बोल सकते हैं साहब, अब ज्यादा जो गुजरा है उसी को बताएंगे, ज्यादा बढ़ाकर हम नहीं बता सकते। खाना पीना सब तमाम का सामान रखा हुआ है, आए आए और जब खराखर सबको तोड़ फोड़ कर ले गए, चले गए, जब्त कर लिया। बस इतना ही चाहता है कि हमारे जीवन पालन करने के लिए हमारी यहाँ पर रुकने दें। ऐसे भी बेघर लोग हैं जी, जी है, घर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, औलाद है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। आज की औलाद किसकी हुई है जो मेरी होगी? बिना नोटिस के आके भड़ भड़ मोर घर कुरियर तोड़ दिन, भात साग चावल को दही सब पटा गए। हम बिन हाथ गोड़ के हम, एक ठन हाथ विकलांग हो गए, एक बहिया भी ठा मेंटल लग बैठ के एक रोड किनारे में छोटे से झोपड़ी बना के पोसत रहे। तो गाँव वाले लोग जलन माँ के लड़की लोग मन एक तरफ आग तोड़े लगी, लड़का मन साइड में खड़ा होगा, बन बिहार वाले मन बोग रोड देखत रहे, नहीं साहब नहीं साहब कहीं बोलत रहे, नोटिस नहीं दिया क्यों तोड़ते हो, कहीं बोलत रहे साहब अब तोड़ दी। अब मैं क्या करूँ तेल बताओ, सरकारें कौन मेरे जावा तेल। आप कहा चाहते हो? अब सरकारें जो कुछ बना दे मोर, न मैं खेती करे है, न बारी करे है, न मैं बोर खनवा है। गाँव वाले सब जंगल ल उजार के प्लाट ल पूरा खेती चना गहूँ बोर सब कर डरी, न मैं कोखरा में शिकायत करे नहीं गए है, न मैं झाड़ काटे है, न पेड़ काटे है, देख सकते सरकार आके नोटिस नहीं जारी करेगी? नहीं नोटिस नहीं दिया मेरे को, जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती आग तोड़े है भड़ भड़ाउहन। नहीं साहब नहीं साहब, 4 दिन के मोहलत दे दे, मैं बनियार करके हटवा ले हूँ, कहे तब नहीं मानेंगे तोड़वा दी। अच्छा नोटिस भेजे, नोटिस भेजे कहीं झूठ बोल थे अधिकारी मन, तो मोर दस्तखत तो हो ही नोटिस भेजे के कुछ जाँच कर ले अपन। 4 बार नोटिस जारी हुआ है बता रहे? नहीं हुआ है, मैं दस्तखत नहीं कर रहे, झूठ बोला थे उमन। अच्छा ठीक, दस्तखत करे तखन जानकारी लेवे न भाई उमन। फिलहाल मामला खुड़िया की पुलिस चौकी पहुंचा। पुलिस का कहना है कि ये जांच का विषय है, जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात यही है कि पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा, आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254903950175717 पर।
श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भगवान राम के ननिहाल और माता शबरी की भूमि छत्तीसगढ़ की ओर से अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। खनिज विभाग की उड़न दस्ता टीम ने शिवरी नारायण नगर पंचायत में छापा मारकर कार्रवाई की और टीम ने महानदी किनारे अवैध रूप से संचालित रेड डंप के खिलाफ कार्रवाई की और मौके से चैन माउंटेन हाईवा और ट्रैक्टर को पकड़ा। और बता दें कि सभी के खिलाफ खनिज अभियान के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। खनिज के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसमें हमारे जिला खनिज उड़न दस्ता दल द्वारा कार्रवाई किया गया है, जिसमें जिले जहांगीर जिले के शिवरी नारायण क्षेत्र में कार्रवाई किया गया, जिसमें व्यक्ति द्वारा अवैध रेत खनन कर भंडारण किया जा रहा था। तो और भंडारण क्षेत्र में रेत और जेसीबी मशीन और चेन माउंट पावर ट्रेन और हाईवा एक वाहन हाईवा को जब्त किया गया है, जिसपे छत्तीसगढ़ गौण खरीद नियम 2015 एवं MMBR एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई। सूबे में कुल 13 रेत खदान रेत भंडारण करने के लिए अलॉटेड। कितने ठेके में है अभी रेत घाट? अभी रेत घाट हमारे पास एक रेत घाट संचालित है, और जिसमें 5 और रेत घाट का हमने टेंडर जारी किया गया था, इसका परिणाम सम्मति हेतु लगा हुआ है और अभी निकट भविष्य में उनको प्राप्त हो जाएगा। तो हालांकि अगले महीना उनको परिणाम सम्मति मिलने की संभावना है, उसके बाद जिले में और 5 रेत खदान संचालित होंगी। सब कुल कितने रेत खदान था जिले में? जिले में रेत खदान के समय के अनुसार हम टेंडर जारी करते रहते हैं। अभी इसके अगले मंच में 6 रेत खदान और जिसपे हम लोग नवीन क्षेत्र का चयन किए हैं, जिसपे क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण किया जा रहा है, तहसीलदार और उनको पत्र जारी किया गया वन मंडलाधिकारी एवं खनिज निरीक्षक को। तो जैसे ही इनका पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होता है कि उस क्षेत्र में रेत खदान दिया जा सकता है, उसके उपरांत उसमें नया टेंडर के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा, साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी, आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356954-9039-501-771 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 जनवरी का सभी को बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और पूरा देश इसकी तैयारी में जुटा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी 22 जनवरी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। इस दिन को भव्य बनाने के लिए पूरे देश में तैयारियां जारी है। इस अवसर पर सरगुजा जिले में भी उत्पाद वातावरण है। अयोध्या में आयोजित रामलला प्राण प्रतिष्ठा राम उत्सव के अवसर पर राम वन गमन परिपथ में अंतर्गत चिन्ह स्थल रामगढ़ उदयपुर में लाइटनिंग, दीप प्रज्वलन, दीप मानस मंडलियों का मानस ज्ञान और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
जिसे लेकर सरगुजा कलेक्टर द्वारा शांति समिति की बैठक की गई। उन्होंने तैयारी के संबंध में बताया कि तेजस शेखर वन मंडल अधिकारी जिला सरगुजा को नोडल अधिकारी यारखंडे ऑन विभागीय अधिकारी उदयपुर पंचायत उदयपुर, साथ ही मोहन साहू राम वनगामन पर्यटन अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु विभिन्न दायित्वों को सौंपा गया है। क्या है कि 22 तारीख को आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसमें हमने आज शांति समिति की बैठक बुलाई थी। सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोगों से इंटरेक्शन किया, उनसे भी इनपुट ली थी। तो 22 तारीख के लिए सभी तैयारी कर दी है। हर ब्लॉक में बिरवक हेडक्वार्टर पे किया जाएगा, जिला स्तर का एक प्रोग्राम किया जाएगा। बाकी भी बहुत सारे जितने भी मंदिर है, जितने भी सार्वजनिक स्थल है, पीजी कॉलेज है, उसके बाद राम मंदिर है, सभी जगह पे प्रोग्राम है, बृहद स्तर पे है। तो लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, सभी को हम लोगों ने सदस्य किया है। जिला प्रशासन ने प्लान बनाया है और सभी के सहयोग से हम लोग 22 तारीख का जो कार्यक्रम है बृहद स्तर से वो करने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के आयोजन में नगरी निकाय, ग्राम पंचायत, निजी संस्थानों, ट्रस्ट, मंत्रियों, समितियों की भागीदारी भी रहेगी। नगरी निकायों, ग्राम पंचायत को इस आयोजन के भागीदार सुनिश्चित करते हुए 22 जनवरी को भवनों में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार हर विकास खंड विस्तार में एक मंदिर में प्रज्वलन दीपदान और लाइटिंग व्यवस्था की जानी है। मंदिर प्रांगण में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर क्षेत्र के 5 मानव मंडलियों के मानस गायन का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी एक मंदिर में भाव आयोजन किया जाएगा। श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हिंदू सनातन धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मना रहे हैं। इस तरह सरगुजा नगर भी एक दुल्हन की तरह सजाया हुआ है, जहां पर तरह तरह की लाइटिंग वेव थी। श्री राम ध्वजों से पूरा नगर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 1,00,000 दीप जलाकर श्री राम का नाम उकेरा जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बस स्टैंड अंबिकापुर में भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें वहां के पुलिस विभाग थाना प्रभारी के द्वारा कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसमें वहां के समस्त नागरिक सहभागिता निभा रहे हैं। अंबिकापुर के हृदय स्थल गांधी स्टेडियम में भी स्कूली छात्रों ने आकर दीपों को सजाया है। कांत कुमार गुप्ता, रवि कुमार गुप्ता जी, यहाँ पर आप बेच रहे हैं, कितना रेट दे रहे हैं और कितना बेच रहे हैं, क्या सेलिंग है? वही 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया का है बिक्री। कितने दिनों से आप स्टॉल लगा रहे हैं? कल से स्टार्ट किया। कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको क्या लगता है गरीबों को? अभी दीपावली कुछ सब रूप में मनाया जा सकता है, इसे मनाया जाता है। क्यों माना जा सकता है? ये जो अयोध्या जो है उसे झंडा उंडा पूरा बिक रहा है, गरीबों को क्या हो रहा है, जिसको लोग भाग लेना नहीं चाहते थे दीप भी ले रहे हैं। हाँ, तो इससे उनके घर में धन जाएगा, तो दीप उत्सव मनाया जा सकता है पूरे भारत में। हमारे स्कूल में कल ऐसा बताया गया था कि यहाँ पे होने वाला है कुछ कार्यक्रम, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे मदद करवाने के लिए बुलाया गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दिया लगवाने में मदद करवाने आए हैं। यहाँ पर आए तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी अच्छा महसूस हो रहा है, शांति भी लग रहा है एकदम दिल में। जी, मेरा नाम सौम्या यादव है और मैं NCC कैडेट हूँ और मैं मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। और हम लोग यहाँ पे जो 1,00,000 दीप जल रहे हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ भी अपना सहयोग देने आए हैं और हमें बहुत पुण्य कमाएंगे इसको यहाँ सहयोग दे के। काफी अच्छा लग रहा है आने के बाद यहाँ देख कर। कौन से स्थान में आए हुए हैं? हम लोग आए हैं गांधी स्टेडियम में अंबिकापुर के। ये कार्यक्रम जो है राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रहा है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जिले में भी ये सामूहिक कार्यक्रम 1,00,000 दीप प्रज्वलन, हवन पूजन और रामलला जी की आरती के लिए आयोजित किया गया है स्टेडियम ग्राउंड में। आम जनता इसमें अपनी सहभागिता देकर इस उत्सव को मनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रामविलास, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे अभी रामलला का दीपक जलाने की तैयारी कर रहे हैं। कब से तैयारी चल रही है इसका? अभी 22 जनवरी का है तैयारी कर।
यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था आप लोगों के द्वारा किया गया? क्या यहाँ अभी तो अभी चूना का लगा रहे हैं अभी। जय श्री राम। ये गांधी स्टेडियम में जो पूजा पाठ हुआ है यहाँ पे 1,00,000 दीपक का प्रज्वलित हो रहा है जिसमें लिखा रहेगा जय श्री राम। और एक अद्भुत चीज इस शहर को, इस शहर वासियों के तरफ से दिया जा रहा है, ये जो दीपक प्रज्वलित हो रहा है पूरे लोगों का अंशदान है। इसमें कोई भी किसी में भी किसी का कोई राजनीतिक दल नहीं है, पूरा शहर यहाँ पे है। और यहाँ पे लेजर शो द्वारा एक रामायण का शो दिखाया। 22 तारीख को हम सब छत्तीसगढ़ियों के भांचा प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाला है। रोम रोम पुलकित है, मन बहुत प्रसन्न है, मन बहुत आह्लादित है। उसी तारतम्य में अपने शहर अंबिकापुर में भी हम लोगों ने उस खुशी के पल को अपने सरगुजा वासियों के बीच में बांटने के लिए आज ये कार्यक्रम 22 तारीख का रखा है। 1,00,000 दीप प्रज्वलन, 500 वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। हम लोगों को लगता है कि हम लोग त्रेता युग में रहे होंगे इसलिए ऐसा सौभाग्य मिला है। तो मन में सभी लोगों के उत्साह है कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो ऐसे लेके सभी इकट्ठा हुए और प्रारंभ हो गया। पूरा छत्तीसगढ़ अपने शासक प्रशासन की ओर से देखिए शासन भी मदद कर ही रही है पूरे देश भर में, और साथ के साथ में पूरे विश्व भर में अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग देशों की तरफ से भी हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। हमारे अंबिकापुर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 1,00,000 दीपोत्सव का हो रहा है, और प्रशासन में भी मदद कर रही है और आम जन भी इससे जुड़े हुए हैं, सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा भी। साथ में शहरों में भी विशेष साज सज्जा की व्यवस्था लोगों ने स्वस्फूर्त किया है, अपने से व्यवस्था कर रहे हैं। दिवाली जिससे भी ज़्यादा एक अच्छी दिवाली मनने की पूरी उम्मीद है। निश्चय ही अपन राम मंदिर रोड में रह रहे हैं और आप देख सकते हैं जैसा राम मंदिर का परचम लहरा रहा है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी कुछ ना कुछ ग्रो ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो छोटे वर्ग के लोगों का दिया बिक रहा है, जो दिवाली में मान लो कम बिका हो या कैसा भी बिका हो, अभी तो एक एक्चुअल दिवाली बनेगी और उसमें जो भव्य दीवा दीवा का जो सेल है वो मतलब शानदार रहेगा। हर एक घर में दिया जलेगा, कोई 1,00,000 दिया जला रहा है, कोई 5100 जला रहा है, कोई 51,000 चला रहा है, तो निश्चय ही बिजनेस में कुछ ग्रो है। हमारा भी राशन बिक रहा है, हर जगह भंडारे का प्रयोजन है और सब बढ़िया है। निश्चय ही बड़ी दिवाली है ये। मैं नीरज वर्मा शहर अंबिकापुर से, श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा जो आयोजन किया गया है हमारे स्टेडियम ग्राउंड में 1,00,000 दीपों के प्रज्वलन के लिए, इसके लिए पूरे शहर में काफी हर्ष का वातावरण और काफी उत्साह का वातावरण व्याप्त है। बच्चा बच्चा उत्साहित है, एक नए तरीके का प्रयास हो रहा है। और भगवान राम के रामोत्सव जो अयोध्या में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पूरे सरगुजा जिले में एक उत्साह का माहौल है और सभी समाज के लोग इस उत्सव को मनाना चाह रहे हैं। आज यहाँ घड़ी चौक में देखिए झंडों का बिक्री हो रहा है, लगभग 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये अलग अलग रेट में लोग खरीद के ले जा रहे हैं और पूरे उत्साह में अपने घर में लाइटिंग कर रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, झंडे सजा रहे हैं और भगवान राम हमारे घर आ रहे हैं इस उत्साह से सभी लगे हुए हैं। अभी सरगुजा जिले में कलेक्टर महोदय के इस शहर में 1,00,000 दीपों 1,00,000 से भी अधिक दीपों का प्रज्वलन होना है। और आज लगभग 1 माह से मैं इतना मानता हूं कि इस पूरे भारत के साथ साथ पूरे नगर निगम पूरे सरगुजा जिले के हर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वो अपने दिल में राम को बैठा कर रखे हैं और इस दिन का तो इसी अंचल में थे रामगढ़ गिरी पर्वत जो है रामगिरी पर्वत, इसमें उनके यहाँ पर होने का एक उस समय की एक कहानी है। तो इस अरण्य भूमि पर दिवाली मनाई जाएगी और संयुक्त रूप से लोग अपने घरों में तो मनाएंगे लेकिन इस पवित्र स्थान पर इस गांधी स्टेडियम में एक दिवाली का बड़ा आयोजन है। यहाँ पर 1,00,000 दीप प्रज्वलित किए जाने हैं और 1,00,000 दीप प्रज्वलित के साथ साथ आतिशबाजी होगी। यहाँ पर किशन भगत एक बहुत प्रसिद्ध भजन गायक है राष्ट्रीय स्तर के, उनकी प्रस्तुति होनी है
और साथ में लेजर शो भी, लाइट लेजर शो यहाँ पर आयोजित होगा। नगर के सभी राम भक्त और आसपास ग्रामों से सभी माताएं बहनें बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होना है। आज इसका भूमि पूजन था यहाँ पर, आज भूमि पूजन किया गया है और दीप बिछाने का क्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। सौरभ शर्मा है गणेश पूजा सामग्री से, राम मंदिर रोड अंबिकापुर। सबसे पहले मैं बोलूंगा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय हो, जय हो, हिंदुत्व जिंदाबाद, हिंदुत्व जिंदाबाद। आज के समय पूजा सामग्री का बहुत विशेष रूप और बहुत बड़ा रेंज में जो है कार्यक्रम हो रहा है, हमारा हिंदुत्व जाग रहा है और जागना भी चाहिए। जो जय श्री राम का नारा जगह जगह गूंज रहा है, पूरा विश्व में आज राम का नाम चल रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और बहुत। अब सभी को इंतजार है तो बस 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश में इस आयोजन को त्योहार की तरह मनाया जाएगा, जिसके लिए सरगुजा जिले समेत पूरा छत्तीसगढ़ भी तैयारी में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, इस समारोह में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सम्माननीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी वैज्ञानिकगण, शिक्षकगण, कर्मचारीगण, छात्र छात्राओं, युवाओं, स्टार्टअप उद्यमियों एवं कृषक भाई और बहनों। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।